वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह से अन्य देशों की मदद की है, उसकी वजह से भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। नेपाल से लेकर कनाडा तक को भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देकर यह बताने की कोशिश की है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर पीएम मोदी के बैनर बोर्ड छाए हुए हैं। कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद मोदी के नाम से बिलबोर्ड, एक तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए गए हैं। एक न्यूज एजेंसी ने इसकी दो तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें कनाडा को वैक्सीन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया गया है। ये बिलबोर्ड ग्रेटर टोरंटो के इलाके में लगे हैं। इस पर पीएम मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। भारत और कनाडा की दोस्ती का जिक्र किया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस से पार पाने के लिए भारत ने कनाडा को भी वैक्सीन दी थी। पिछले दो हफ्ते ही भारत की वैक्सीन कनाडा पहुंची थी। भारत में बने कोरोना वायरस टीके की 5,00,000 खुराक 4 मार्च को कनाडा के टोरंटो पहुंची थी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की है 5,00,000 खुराक की खेप पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भेजी गई। कनाडा की सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री अनीता आनंद ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वह निभाया। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन की 5,00,000 डोज की पहली खेप आज सुबह कनाडा पहुंची। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में भारत को सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन कर प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया था। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, मुझे मेरे मित्र जस्टिन ट्रूडो का फोन आने पर खुशी हुई। कनाडा ने कोरोना वैक्सीन की जितनी डोज की मांग की है उसकी सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए भारत सभी प्रयास करेगा। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।